आज कार्य कुरान का हम अदब करते हैं और उस हस्ती का लोग कितना अदब करते होंगे जिसने एक रकाब पर पांव रखा, दूसरे रकाब पर जाने से पहले पहले सारा कुरान रब का अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक रब का कुरान पढ़ दिया। और उनकी अम्मा जान सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपका कुरान पढ़ना कैसा है? आप कुरान पढ़ती हैं, चक्की का चक्कर शुरू करती हैं, चक्की का चक्कर बाद में मुकम्मल होता है और आपका कुरान पहले मुकम्मल हो जाता है। ये हस्ती है अहले बैत की, ऐसी हस्तियां हैं और पंचतन पाक में इनकी निस्बत जो अपने टीम ने बजमे दरे सगे पंचतन पाक की क्या खूब वराल वरा शान है। हज़रत से वकार, इंसान तो इंसान है इंसान रहेगा, हैवान तो हैवान है हैवान रहेगा, इंसान तो इंसान है इंसान रहेगा, हैवान तो हैवान है हैवान रहेगा। तू लाख जतन करके बड़े शौक से आ जा, पर कुरान तो कुरान है कुरान रहेगा, कुरान तो कुरान है कुरान रहेगा, कुरान तो कुरान है कुरान रहेगा। आज की ये पाक बजम इसाले सवाब भी है मेरे इंतहाई वाजिबुल कदर बुजुर्ग हाजी मोहम्मद आजम शराफ साहब मरहूम गफूर, अल्लाह तबारक व ताला से दवा करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आपके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए, आपकी कब्र को अल्लाह तबारक व ताला तहद नगा कुशादा फरमाए। इमाम गजाली से किसी ने पूछा, इमाम कुरान क्या है? आपने फरमाया कुरान छोटा भी है कुरान बड़ा भी है। वो पूछने वाला फिर सवाल करता है, फिर पूछता है, असद भाई आपकी तवज्जो चाहते हुए पूछने वाला फिर सवाल करता है कि कुरान छोटा कैसे है कुरान बड़ा कैसे है? आप फरमाते हैं कुरान छोटा इस तरह है कि छोटे से बच्चे के हाथ में आ जाता है और छोटे से दिल में समा जाता है, और बड़ा इस तरह है अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात को इसके अंदर समो के रखा है। अब कुरान से जो सवाल कीजिए कुरान उसका जवाब देता है। आइए सिलसिला ना शुरू होने वाला है, कुरान से हजूर की नात ना सुने, जेड़ा सुनना चाहता है वो बोले सुभान अल्लाह। मैंने कुरान से पूछा, कुरान अक का चेहरा बता। कुरान कहता है वद्दुहा। ढिले बोले यार, कुरान सुने तो ढिले ना बोलिया करो। चुप चुप बंदा ते बोर लगता है, मुझे भाई चुप चुप बंदा ते बोर लगता है, होश होवे ते होर लगता है, पूरिया नब्बे नेकियां मिल दिया ने सुभान अल्लाह ते केड़ा जोर लगता। बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज ना बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कुरान से पूछा, कुरान अक का चेहरा बता। कुरान कहता है वद्दुहा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान अक की जुल्फे बता। कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। मैंने कुरान से पूछा, कुरान अक का सीना बता। कुरान कहता है अलम नशरह। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका के हतमे नबुव्वत बता। कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा हजम रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीजीन। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की रसालत बता। कुरान कहता है या अय्युहर रसूल। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका की नबुव्वत बता। कुरान कहता है या अय्युहन नबी। मैंने कुरान से पूछा, कुरान आका का दुरूद बता। कुरान कहता है इन्नल्लाह व मलाइकातुहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल लदीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। जिन्हों कुरान सुन के आका दी ना सुन के लुत्फ आया, दोवे हाथ बुलंद करके बोले सुभान अल्लाह। ये है कुरान हुजूर की नात बयान कर रहा है। सारे का सारा कुरान आका तेरे रंगे बयान लगता है, उसका कारी हूं कि तेरी जुबान लगता है। और जब भी नासिर सुबह अफलाक पे नजर उठती है, चांद भी आका मुझे तेरी एड़ी का निशान लगता है, चांद भी मुझे आका तेरी एड़ी का निशान लगता है। और खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ अजीम सनहान मुस्तफ़ा बुलबुल मदीना जनाब मोहम्मद असद अली कादरी साहब से इल्तमास करता हूँ कि आप माइक तशरीफ लाएँ और अकाल सलाम के महदा सलाह फरमाएं। अब आप नारा बंद करें, नारा तकबीर,
नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदारे हजमे नबुवत। दोनों हाथ बुलंद करके ताजदारे हजमे नबुवत, ताजदारे हजमे नबुवत, ताजदारे हजमे नबुवत, नारा रिसालत। जनाब असद अली कादरी साहब।